आपने सलून और ब्यूटी पार्लर का बिजनेस हराम है या हलाल है? भाई ने एक सवाल किया कि सलून और ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करना कैसा। तो देखिए, जहां तक सलून और ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, उसमें तमाम वो चीजें जो हलाल होती है उसमें करने में कोई हर्ज नहीं, एक आम उसूल है। और उसमें अगर कोई चीज हराम इन्वॉल्व है तो अब आपने वो चीज नहीं करना चाहिए या वो चीज छोड़कर आप बाकी काम करें। जैसे कि ब्यूटी पार्लर में औरतें आती और तैयार होती, अगर ये तैयार इसलिए हो रही कि इनकी शादी वगैरह है, तो ये चीज़ तो सुन्नत से साबित है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ माँ आयशा से, जब विदाई हुई तो माँ आयशा को एक खातून ने तैयार किया जो मशहूर थी मदीने में कि औरतों को दुल्हनों को तैयार करती। तो अगर इसमें चीज़ की जा रही वो हलाल हो, चीज़ें इस्तेमाल की जा रही वो हलाल हो, पर हलाल ढंग से, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं कि तैयार किया। मेहंदी डाला जा रहा है, चेहरे को अच्छे से साफ किया जा रहा है, बालों को जमाया जा रहा है, ठीक है, या बालों को तरतीब दी जा रही है जो औरतों के लिए भी हलाल है, तरतीब देना, कुछ कटछट करना, ठीक है, और मर्दों के मुशाबे होने के लिए नहीं बल्कि उनकी खूबसूरती के लिए कटछट करना, तो वो जायज अगर काम करते हैं तो बहरहाल इसमें इंशाल्लाह इसको। लेकिन आप कह रहे हैं कि सलून और ब्यूटी पार्लर से मुराद ये वो हर काम जो उसमें किया जा रहा है मनमाने ढंग से, शरीयत को लांग कर, हराम हलाल की तमीज के बगैर, सेहत को नुकसान देने वाली चीज़ इस्तेमाल हो रही है, तो बहरहाल ये चीज़ तो फिर गलत। तो इसके इस्तेमाल पर मैं कहूँगा हलाल या ये हराम होगा, इसमें क्या किया जा रहा है तो आप वो देखें, उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा ये क्या है। ये ऐसी चीज़ नहीं कि आप बोल दें हराम, क्योंकि जाहिर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान को करना है, मेरे को अपने बाल बनाना है मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे को अपनी मूछें तराशना है मैं कहाँ जाऊँगा, है ना, वो समझे, तो जाहिर सी बात है किसी के पास जाके मैं इसको कर सकता हूँ। ख़वातीन के लिए भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो ब्यूटी में शामिल है जो हलाल हलाल चीज़ों से हलाल काम किया जा रहा है हलाल तरीके से, तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। हलाल चीज़ें हैं हराम काम किया जा रहा तो भी गलत हो जाएंगे, हराम काम किया जा रहा तो भी गलत, हालांकि चीज़ें हलाल लेकिन काम हराम है जो मना है इस्लाम, बहरहाल ये डिपेंड है क्या किया जा रहा है उसके अतबार से फैसला लिया जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके खबर बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दिए सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।